डॉक्टर राकेश सिंह फ्रॉम KSIS अकेडमी पटना, वेलकम यू ऑल। हमारा जो सेशन चल रहा है वो 67th बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 2 का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। पिछले सेशन में हम लोग एक क्वेश्चन का एनालिसिस किए थे, आज हम लोग दूसरे क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट जीएस पेपर 2। देखिए क्वेश्चन है, प्रेजेंट द पिक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बिहार। कहने का मतलब है कि आपको बिहार के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में लिखना है। नंबर टू, सेकेंड पार्ट इसमें है कि कंपेयर विद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आप जो बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे अपने आंसर में, इसको इंडिया के साथ आपको इस डाटा को कंपेयर करना है, याद रखिएगा। और नंबर टू पार्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का, द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इन द स्टेट। व्हाट आर द कॉजेज, व्हाई द इंडस्ट्रीज इन बिहार दे आर बैकवर्ड। तो इसका कॉजेज हम लोग को देखना है। एंड यू आर एस एन ऑफिसर, यदि आप इसका कॉजेज बता दे रहे हैं, देन यू हैव टू लुक फॉर द मेजर्स टेकन बाय द बिहार गवर्नमेंट, है ना। यू कैन सी द रिसेंट रिमेडियल स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द सिचुएशन। सो बिहार गवर्नमेंट, what are the steps taken by Bihar government or what are the government projects that aims to upgrade the industrial status of Bihar? Yahi hai question. Hindi mein bhi dekhiye wahi cheez hai. Bihar mein audyogik vikas ka, Bihar mein audyogik vikas ka chitra prastut kijiye, means audyogik vikas jo hai Bihar mein uske bare mein bataiye aur isko Bharat ke sath tulna kijiye. Ab kaise tulna karna hai, policy mein tulna karna hai या डाटा के आधार पे तुलना करना है, या इनकम के आधार पे, या डाटा के आधार पे तुलना आपको करना है, यही हमारा डिस्कशन पॉइंट रहेगा। तो ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि बिहार में औद्योगिक जो पिछड़ापन है उसका आप कारण बताइए, और यदि आपका कारण है तो समाधान बताइए, और समाधान क्या है जो बिहार सरकार जो इस समाधान को अपनाती है, या बिहार सरकार का क्या क्या योजना है, परियोजना है, यही हम लोग को डिस्कस करना है। तो चलिए इसके साथ ही हम लोग जो है अपने डिस्कशन पॉइंट को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं, हाउ टू डिस्कस दिस। ठीक है, तो फिर से अब चलते हैं, अब हम लोग अपने नोट्स में चलते हैं, जो हमारा तैयारी 67 के लिए जो हम लोग तैयारी चालू किए थे, उसका जो बेसिक हमारा नोट्स था, क्लास नोट्स था, उसी को हम लोग अपना बेस बना के आंसर करेंगे। तो फिर से एक बार फिर बताते हैं बच्चों कि हम लोग को बिहार का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बात करना है, फिर इसको इंडिया के साथ कंपेयर करना है, फिर बिहार में क्या क्या कारण है फॉर इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, और गवर्नमेंट का क्या क्या रिसेंट पॉलिसीज है, रेमेडियल मेजर्स है लिया गया, ताकि जो है हमारा इंडस्ट्रियल स्टेटस में सुधार हो। तो पहला बात है कि आप लोग को एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखना है ना। इंट्रोडक्शन में ही आपको बताना है कि व्हाट यू वांट टू से। देखिए इसी को आप, यदि आप ये पहला पॉइंट को ही अपना इंट्रोडक्शन बना देते हैं, तो ये आपका बहुत अच्छा खूबसूरत सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ बिहार वॉन्ट्स टू चेंज the position of Bihar from a supply of raw materials to other parts of the country to a producer of finished products for both national market as well as international market. And you have to prove your introduction. कि आपको प्रूव करना है कि देखिए, हालांकि because of COVID from 2015-16 to 2019-20, the contribution of industrial sector in gross state value added has actually declined. But this decline was very marginal in Bihar from 20.3 to 20.1%. But in India, the decrease was substantial, 31.6% to 29.6%. तो यदि इस डाटा से आप कह देंगे, इसी से आप इंट्रोड्यूस करते हैं, मीन्स यू आर, आप गवर्नमेंट को, एग्जामिनर को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि यस, आई हैव मेड अ स्टार्ट, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट The industrial development, industries are there in Bihar, ठीक है। और कौन कौन सा इंडस्ट्री है उसको आप यदि देखेंगे कि एक एक करके बारीकी से उसको डिस्कस करेंगे, तब तो आपको जो है वीकनेस भी मालूम चल जाएगा, और फिर आंसर का वो अपने आप सेकेंड पार्ट
तो आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में बताना बिहार का, तो पहले आप बताएंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है ना। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल को भी आप साथ में बताएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बारे में बताएंगे, फिर इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी के बारे में बताइए। देखिए सब आपके नोट से ही हम बात कर रहे हैं जो हम लोग नोट्स में किए हैं। डेयरी इंडस्ट्री के बारे में बताइए, डेयरी इंडस्ट्री के अचीवमेंट्स के बारे में बताइए, नॉन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में बताइए आप, ठीक है। फिर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है, फिर बिहार में आपका सेरिकल्चर के बारे में बताइए, और सबका जो है डिमेरिट्स बताइए, डिफेक्ट्स बताइए, कहाँ कहाँ हमारी स्थिति कमजोर है, वेयर आर वी लैकिंग, व्हाई वी हैव शिफ्टेड टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, बिकॉज दिस इज द स्ट्रेंथ, एग्रीकल्चर इज द स्ट्रेंथ ऑफ बिहार, तो दैट इज वाई वी हैव एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या क्या इंडस्ट्रीज है, आप सेरिकल्चर बताएं, डेयरी बताएं, है ना, आप हैंडलूम बताएं, पावर लूम बताएं, आप इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी बताएं, आप सुगर इंडस्ट्री, ये सब आप बताएं। नाउ यू हैव टू कंपेयर विद, एक क्वेश्चन का एक पार्ट है कि कंपेयर इट विद इंडियन इंडस्ट्री, इंडिया में ओवरऑल नेशनल एवरेज के साथ कंपेयर कीजिए, तो आप बताएंगे एक डाटा ये है कि लास्ट ईयर्स एक्सेप्ट वर्किंग कैपिटल ऑल अदर इंडिकेटर्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन बिहार हैज रजिस्टर्ड अ सब्सटेंशियल ग्रोथ, वृद्धि देखने के लिए देखा गया है। आप फिक्स्ड कैपिटल का ग्रोथ रेट बताइए, नेट वैल्यू एडेड का ग्रोथ रेट बताइए, है कि नहीं, ये बताइए कि नेट वैल्यू एडेड में ग्रोथ रेट 19.2% था बिहार में, 6.9% आपका ऑल इंडिया लेवल रहा है ना। फिर आप फिक्स कैपिटल पर फैक्ट्री, ये डिमेरिट्स है, फिक्स कैपिटल पर फैक्ट्री इन बिहार वॉज जस्ट 26.2%, जो कि ऑल इंडिया एवरेज है आपका 48.1%, तो बिहार में आपका 26.2% आपका फिक्स कैपिटल पर फैक्ट्री इन बिहार सिर्फ 26.2% है, और ऑल इंडिया लेवल पे ये नेशनल एवरेज 48.1% है, यहाँ हमारा कमजोरी है। उसी तरह आप फिक्स कैपिटल पर पर्सन इंगेज्ड बताइए, 6.8 लाख बिहार में है, थोड़ा सा इंक्रीज किया है। फिर आप बताइए बिहार का इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसके इंडिया के जीबीए में ग्रोथ कंट्रीब्यूशन कितना है, तो वो है 0.8%, ये इस पे आप चर्चा करें, और बाकी देश का क्या है, बाकी स्टेट का क्या, वो हमसे ज्यादा है। तो इस तरह से जो है आप जो है टोटल फैक्ट्स के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर आप जो है ये बताएं कि व्हाट इज द कंपैरिजन विद द नेशनल एवरेज। तो पहला पार्ट इंट्रोडक्शन कर लिए, दूसरा कौन कौन सा हमारे यहाँ इंडस्ट्री है वो बता दिए, तीसरा आप इस डाटा के साथ इंडिया के साथ कंपेयर कर दिए। अब लास्ट पार्ट चलते हैं हम लोग, जिसमें कि हम लोग को बात करना है कि गवर्नमेंट का क्या क्या रेमेडियल स्टेप्स है। तो गवर्नमेंट क्या क्या रेमेडियल स्टेप ली है, तो आप बिहार एग्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी को डिस्कस कीजिए, आप इसके बारे में बताइए, फिर आप बिहार के ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी के बारे में बताइए, फिर आप जो है कुछ कुछ माइक्रो है उद्योग मित्र जो है बिहार गवर्नमेंट स्टार्ट की है इसके बारे में बताइए, दीज आर द रेमेडियल स्टेप्स, है ना। फिर बिहार के स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में बताइए, दीज आर ऑल रेमेडियल स्टेप, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2017 के बारे में आप अपने एग्जामिनर को बताइए, फिर बताइए कि इन्वेस्टर को एंजल इन्वेस्टर का कॉन्सेप्ट है, इंक्यूबेटर का कॉन्सेप्ट बिहार में आया है, मेंटरिंग का कॉन्सेप्ट आया है, सीड ग्रांट का कॉन्सेप्ट आया है, टीबीआई टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर का कॉन्सेप्ट को आप बताइए, है कि नहीं। फिर आप मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के बारे में बताइए। सो दीज आर सम ऑफ द रेमेडियल स्टेप्स टेकन बाय बिहार गवर्नमेंट टू इंक्रीज द इंडस्ट्रियल हेल्थ ऑफ द स्टेट, और कुछ नहीं करना है। जो भी आपका नोट्स जो आपके क्लास में है जो दिया गया है उसी को, उसी पे आपको एक ग्राफ चार्ट पाई चार्ट डायग्राम बना के कंपैरिजन चार्ट बना के आपको दे देना है, और इस तरह से आप करेंगे तो एग्जामिनर को आप कभी मौका नहीं देंगे एक नंबर भी काटने का। मीन्स यू कैन हो बी होपफुल ऑफ सिक्योरिंग ऑलमोस्ट 100% मार्क्स इन योर एग्जाम। सो अगेन आई रीइटरेट द फैक्ट
कि नॉलेज इज मोर, नॉलेज ओरिएंटेड बनिए, रैदर देन कि आप एग्जाम में पीटी का परीक्षा दे रहे हैं कि मेंस का परीक्षा दे रहे हैं, वो ओरिएंटेड बनिए। चलिए, इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस सम अदर क्वेश्चन। थैंक यू।